हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नटवर चौधरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर थर्ड ग्रेड टीचर ट्रांसफ़र कब होंगे। जैसा कि लगातार प्रत्येक तृतीय श्रेणी अध्यापक मांग करता रहा है, जब से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लेकर अब तक, लेकिन अब तक सरकार ने बिल्कुल भी नहीं सुनी है। अगस्त के बाद जैसे ही एक बार और बैन पर रोक हटी थी तो उम्मीद होने लगी कि अब ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि करीब 4-5 साल बाद कोई ट्रांसफ़र की कोई बात आती है थर्ड ग्रेड में। इसी बीच जब ये ट्रांसफ़र के लिए बैन हटा और ऑनलाइन आवेदन भरे तो एक उम्मीद जगी कि हाँ, अब ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि काफ़ी कार्मिक लंबे अरसे से अपने घरों से दूर रह रहे हैं। किसी को 10 साल हो गया तो किसी को 15 साल हो गया और सभी अपने अपने घर जाना चाहते हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि तृतीय श्रेणी अध्यापक के अलावा जो सेकंड ग्रेड है या फर्स्ट ग्रेड है या प्रधानाचार्य है, सभी के लगभग 2 या 3 बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी का एक बार भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ। सभी तृतीय श्रेणी अध्यापक साथी लगातार ट्विटर के माध्यम से हो या फेसबुक के माध्यम से हो या यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो, लगातार मांग अपनी उठा रहे हैं। काफ़ी न्यूज़ चैनल में भी लगातार आता रहा है कि ट्रांसफ़र आखिर कब करेगी सरकार। जैसा कि ऑनलाइन आवेदन भरवाए गए उसके बाद पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि पॉलिसी लेकर आएंगे तब आपके ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन ना तो तब पॉलिसी जारी हो पाई थी और वर्तमान शिक्षा मंत्री जी ने भी 1 महीने पूर्व कहा था कि हम पॉलिसी लेकर जल्द आ रहे हैं 1 महीने में, लेकिन 1 महीने की अगर हम बात करें तो करीब 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन अब तक कोई पॉलिसी नहीं आई है। सभी तृतीय श्रेणी अध्यापक जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है, 86,000 जो आवेदन करने वाले कार्मिक हैं, उनका कहना है कि जैसे रीट 2021 की प्रक्रिया चल रही है, अगर यह भर्ती पहले पूर्ण हो जाती है तो हमारे जो रास्ते हैं वो लगभग बंद हो जाएंगे, अर्थात ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। क्योंकि वैसे ही 4 साल बाद यहाँ पर ओपन हुए ट्रांसफ़र, लेकिन अगर ये भर्ती पूर्ण हो गई फिर 2 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसे में सभी तृतीय श्रेणी अध्यापकों की मांग है कि जो रीट 2021 की भर्ती चल रही है इससे पहले ट्रांसफ़र सरकार करे, क्योंकि रीट 2021 भर्ती में जो भी अभ्यर्थी हैं उन्हें इस ट्रांसफ़र से ना तो कोई लॉस होगा ना कोई फ़ायदा होगा। अर्थात हम इस गणित को ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी ज़िले में जाने वाले, अर्थात कोई ट्रांसफ़र करा के मान लो किसी ज़िले से आ रहा है तो उसमें पदस्थापित अन्य कार्मिक हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी ज़िले में जाएंगे। जब इस तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्मिक अपने पद को छोड़ के जा रहा है तो लगभग लगभग जितनी सीट यहाँ से खाली होती हैं उतनी ही सीट वहाँ पर भर जाती हैं, अर्थात अनुपात में थोड़ी बहुत कमी आती है, लेकिन रीट 2021 की जो भर्ती होने जा रही है उनको यहाँ पे कोई लॉस नहीं होने वाला। तो ऐसे में सभी लगातार मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ट्रांसफ़र सरकार करे और गंभीरता से ले, क्योंकि काफ़ी विशेष श्रेणी के भी अध्यापक हैं जो कि 13 विशेष श्रेणी इसमें ऑनलाइन आवेदन में ली गई। अतः जैसे ही अब 10 जनवरी से और 9 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं तो इससे पहले पहले, अर्थात फरवरी से पहले पहले सरकार तृतीय श्रेणी अध्यापकों की जो पॉलिसी जो लागू करनी है उसे लागू कर दे, ताकि ट्रांसफ़र की राह खुले और जल्द से जल्द ट्रांसफ़र हो जाएं। यही निवेदन करते हैं सभी तृतीय श्रेणी अध्यापक। सभी तृतीय श्रेणी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी बात कुछ हद तक सरकार के पास पहुंच सके। धन्यवाद।